चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुबह 6:29 से शुरू होकर सुबह 7:40 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। पहले दिन कोई खास अनुष्ठान करना है तो उसके लिए भी यही मुहूर्त उत्तम रहेगा। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति 30 मार्च 2023 को रामनवमी पर होगी। प्रथम दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इसके लिए पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। मान्यता है कि नवरात्रि में जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती है उस घर में माँ दुर्गा का वास होता है। साधक के हर काम बिना रुके पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक नरवान मंत्र ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का प्रतिदिन स्नान के बाद एक माला जाप करें। इस मंत्र से शक्ति और ग्रहों का सीधा संबंध है। इसके जाप से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति के तरक्की के रास्ते सुलभ हो जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा को पान के पत्ते पर 9 इलायची और लौंग रखकर अर्पित करें। वहीं अष्टमी या नवमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, लाल रंग की चुनर भेंट करें। ये उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां भर देता है। चैत्र नवरात्रि में घर में सोना चांदी श्री यंत्र घर लाएं और इसे देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। मान्यता है इससे धन में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी और माँ दुर्गा के बीच माता और पुत्र का संबंध है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी की पूजा के साथ बजरंग बलि की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे शीघ्र पूजा का फल मिलता है। इसके लिए सुंदर कांड का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी।